शिवपुरी में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ने मिलकर सीएमएचओ और कलेक्टर को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ बैनर तले ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि अवकाश के दिन भी उनसे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी कराई जा रही है, जिससे वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। इससे उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कभी भी कोई भी आदेश टाल देते हैं जिनका पालन उन्हें करना होता है, लेकिन व्हाट्सएप पर भेजी गई सीएल मान्य नहीं की जाती। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एएनएम और आशा कार्यकर्ता ये मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला और क्या कितनी सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? आज 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें इन लोगों की मांगे हैं कि ये अवकाश के दिनों में भी इनसे काम कराया जाता है, रविवार और शासकीय अवकाशों में भी इनसे काम कराया जाता है, जबकि शासकीय अवकाश व्यक्तिगत कार्य करने के लिए होते हैं। दूसरा, शासन के आदेश हैं कि 55 साल से ऊपर की आशा कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर एएनएम को कंप्यूटर में फीडिंग के लिए मतलब वर्जित किया है और उनकी जगह उनके ऑपरेटर से काम कराने के लिए है, इसके लिए भी उनको दंड दिया जा रहा है। तीसरा है कि इनकी जो वर्क रिपोर्ट है उसमें सीएमएचओ के साइन की बात कर रहे हैं, जबकि सीएचओ के साइन की बात कर रहे हैं, जबकि सेक्टर सुपरवाइजर और सेक्टर डॉक्टर के साइन अभी तक होते आए। फिर ये है कि इसमें आयुष्मान कार्ड एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से बनवाए जा रहे हैं, जबकि आयुष्मान कार्ड का बनाने का काम राजस्व विभाग का मतलब ग्रामीण विभाग उसका ग्रामीण विभाग का है, जो कि सचिव और रोजगार सहायक को आवंटित है। उसमें भी इन पर प्रेशराइज किया जाता है और इसके अगर कोई काम में डिले होते हैं तो इनको पनिश किया जाता है, है ना। महिला कार्यकर्ताओं के जो अवकाश हैं वो काफ़ी समय से लंबित हैं, इन लोगों अवकाश स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और ये लोग परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से 8 सूत्री मांगों को लेके आज आशा कार्यकर्ता और एएनएम सभी जिले के सीएमएचओ महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया।